Assalamu alaikum Pakistan and good evening. This is Faisal Kapadia and with me is Dr. Wow Balvi on the Out of Bounds show. Topic we have is basically establishment, Hussain Haqqani and General Pasha. अच्छा आप मुझे ये बताइए कि where does the story start? मेरे ख्याल से तो जो हुसैन हक्कानी के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ है. आई थिंक ही वॉज एंट्रैप्ड एंड आई पर्सनली डोंट इवन बिलीव दैट द एस्टैब्लिशमेंट इज इन्वॉल्व्ड. पूछो मेरे से क्यों बताओ भाई. देखिए वजह यह है कि हमने एक स्पेक्टर बना दिया पाकिस्तान में, ठीक है. एस्टैब्लिशमेंट हर चीज़ को एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ब्लेम कर देते हैं या अनसीन हैंड्स के ऊपर ब्लेम कर देते हैं. आप मुझे बताएं कि मैं जानता हूं कि हुसैन हक्कानी ने रेजिग्नेशन क्यों दी, आप भी जानते हैं, ठीक है. उनको अपनी पार्टी की साख को बचाना था मगर और डेमोक्रेसी की साख को बचाना था. एंड वी नो हिम अ बिट पर्सनली एज वेल. हम जानते हैं कि वो अप फ्रंट अपराइट बंदा है. मुझे ये बताओ कि कोई इतना सीनियर डिप्लोमेट को इतना केयरलेस हो सकता है कि यार को रुके पे लिख के दे दे. माय डिस्कशन विद लॉट ऑफ पीपल इज द फैक्ट व्हेन एज अ डिप्लोमेट यू हैव टू हैव ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल वेज ऑफ डिप्लोमेसी टू हैंडल एन इशू क्राइसिस, ठीक है. हुसैन हक्कानी डेफिनेटली हैड एन ऑफिशियल चैनल दैट ही हैड टू अप्रोच, बट देयर लॉट इन द डिप्लोमेसी देयर लॉट ऑफ अंडरहैंड वेज हाउ यू एक्चुअली हैंडल द क्राइसिस अ कंट्री फेसेस. एक बिग एग्जांपल रेमंड डेविस, ठीक है. रेमंड डेविस ही वाज इंटीग्रल पार्ट ऑफ हैंडलिंग दैट डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई वाज अ स्ट्रांग ओपोनेंट एंड ऑनलाइन एंड ऑन ट्विटर अगेंस्ट हिम ऑन रेमंड डेविस, बट द फैक्ट वाज दैट ही वाज एक्चुअली लॉबिंग टू सेव पाकिस्तान्स नोज, ठीक है, गेटिंग इट आउट ऑफ द क्राइसिस. सो ऑल दोज इश्यूज आई डोंट थिंक हुसैन हक्कानी इज एट ऑल, I can't doubt his credibility, okay, because he has worked and lobbied for Pakistan's issue. My and your understanding is basically he's done good work, but as far as the issue, नहीं, वो जो बंदा है, वो जो बंदा है जिसने क्लेम किया है, वो बंदे की आप हिस्ट्री तो देखो यार. But you know, मतलब as dodgy as it gets. But what I say that Masroor Ijaz, when he actually comes out with a BBM message with the email, यार he BBM, has a good solid. अच्छा मुझे एक बात बताओ, BBM को चेक किसने किया है? क्या भी क्या देखो वो जो बात हुई थी कि हमारी ISI ने इसको फोरेंसिक एविडेंस, क्या हमारी ISI के पास BBM के कोड्स हैं? नहीं. तो फिर क्या किस तरह फोरेंसिकली चेक किया? क्या उसके फोन पे देखा है सिर्फ? नहीं तो कैसे फोरेंसिकली चेक? भाई यू आपके ब्लैकबेरी में यू कैन एक्चुअली वो उसमें सेव कर सकते हैं सेव चैट. So he's actually saving. Yeah. but mind you, if you look at the original chat, unless you someone clears the conversation, remember we जब हम कोई गंदी बात कुछ करते थे, हम तो कोई गंदी बात नहीं करते. देखो वैसे कल हस्बैंड आंटी पकी है, ऐसी हम कुछ नहीं करते. तो जब कोई ऐसी बात होती तो we used to clear chat, just to clear the history. मगर मेरा नहीं ख्याल कि यार कोई सीनियर डिप्लोमेट इतना खूब पागल होता है कि वो BBM पे लिख के भेज दे यार. मैं ये नहीं बोलता कि इस किस्म की बातें नहीं होती होंगी. मैं ये नहीं कहता कि ये हुआ होगा. मैं ये दोनों में से कोई चीज नहीं कह रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि कोई सीनियर डिप्लोमेट या मैं और आप भी इतने पागल नहीं है यार कि लिख के भेज दें किसी को. अपराध प्रूफ किया है? देखो उस रुके पे प्रूफ किया, क्या उस पर हमारे प्रेसिडेंट की साइन है? कोई प्रूफ है लीडिंग बैक टू हिम? तो ये किस किस्म की एक्यूजेशन है जो है दुनिया भर? अच्छा और एक्यूजेशन की जहाँ तक बात हो रही है, अगर आप बोलते हो कि ये एक्यूजेशन सही है तो इंग्लैंड के अखबार हमेशा सही एक्यूजेशन नहीं लगाते. आपको भी पता ये बात, अभी आप पे भी एक लगी है. मीटिंग हुई है, अलग अलग हुई है, अलग अलग हुई है. तो क्या अलग अलग नहीं मिल सकता एक बंदा दो बंदों से? भाई मुझे तो यही है. तो फिर आप बताओ फिर संडे अखबार ने कैसे छाप दिया? तो ये भी अखबार छाप सकता है. देखो इंटरनेशनल मीडिया हैज एन एजेंडा. बट द रिपोर्टर वाज इन इस्लामाबाद. द डे शी फाइल्ड इट शी वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग बैक टू दिल्ली टू हर असाइनमेंट. तो मैं ये बता रहा हूं कि शी वाज एक्चुअली लिविंग इन इस्लामाबाद. शी वाज एक्चुअली प्रोबब्ली हियरिंग द ग्रेपवाइन दैट ऑफन इन पाकिस्तान इज द सोर्स ऑफ ऑल योर इन्फॉर्मेशन. व्हेन शी वाज हियरिंग दैट ग्रेपवाइन शी प्रोबब्ली गॉट सक्ड इनटू इट इन द कन्विंसिंग फैक्ट कि इसके जो सोर्सेज बता रहे थे. मैं आपकी आंख में आंख डाल के कहूं कि ये हुआ है. And in that scenario, that's what she was hearing. क्योंकि मुझे एक बात पता है कि ये जो साहब हैं जो बोल रहे हैं कि मुझे रुका मिला या whatever या मैंने पास ऑन किया है, मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है उसकी फर्स्ट नेम बेसिस पे ताल्लुकात एडमिरल किस तरह है?
पैसे यार फॉक्स में फॉक्स पे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट। देखो मैं आई एम नॉट डाउटिंग, अगर आप एस्टैब्लिशमेंट बोलते हो तो मैं बोलता हूँ ये अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का, मगर मैं बताऊँ मेरी बात, मैं जो बात कर रहा हूँ वो डिगिंग डीपर ऑन हिज कैरेक्टर सजेशन, आई थिंक इट्स राइटली बिकॉज मसरूर इजाज इज एन अपॉर्चुनिस्ट माइंड यू, बहुत दफा इसकी ये हो सकता है कि किसी कॉफी कॉन्वर्सेशन में बात हुई होगी कि आर्मी तंग कर रही है तो ये मलिंस इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट कहीं ना कहीं सोशली अगर मिल गया हो। मैं इतने बड़े बड़े पाकिस्तानी बिजनेसमैन को जानता हूं अमेरिका में, सपोज आई गिव एन एग्जांपल, नोबडी हैज कॉन्टैक्ट्स विद स्पूक्स यार, नो स्पूक्स यार, बट किसी से मुलाकात इनडायरेक्ट, मलिन को हाथ में नहीं दिया था माइंड यू, मलिन हैज नॉट रिसीव्ड, मलिन बोल रहा है मुझे मिला, मलिन के एडवाइजर के थ्रू मिला था, इट वाज नॉट डायरेक्टली हैंड टू मलिन, दैट्स व्हाई मलिन एक्चुअली सैट इन द ऑन द कांग्रेसियल हियरिंग। इमरान खान को कैसे पता था ये तो बताओ ना, मसूर रियाज 30 अक्टूबर को कैसे पता, 10th अक्टूबर मसूर रियाज रोट एन आर्टिकल, he said a senior diplomat in the US, then 15 october unhone naam nahi liya tha usne kahani mohammad malik and shaheen sibahi again wrote an article on the 15th sahi hai uske kisi ne usne kahani ka naam nahi liya tha siway aapke aapki rally mein 30 october ko imran khan ne naam kaise liya mohammad malik usko kaise pata tha mohammad malik on capital talk two days back actually said ki mere sath stage pe main aaya tha 30 अक्टूबर को मेरे साथ बैठा हुआ था, मैंने उसको कहा कि आप ये पूछा तुम्हारा आर्टिकल बड़ा अच्छा था, उसने रिस्पॉन्ड किया हाँ इसमें भाई ही सजेस्टेड कि ये क्या हुसैन हक्कानी है, तो ये स्टेज पे हुआ था, आप ये बता रहे हैं स्टेज पे एक्चुअल रैली में स्टेज पे मलिक साहब ने इमरान खान को ये बोला था, दे बोथ न्यू इट बट ही रीअफर्म्ड हिमसेल्फ कि भाई ये मलिक का है, कुछ तो चक्कर है कुछ तो चक्कर है यार हर चीज, anyone who's taking a rise है ना, देखो अब मेरी बात समझ में आई पहले वाली जो मैं बोलता हूँ कि हर चीज को स्पेक्टर बना देते हैं, कोई है कोई है, ये कोई पार्टी पीछे से जो है कोई पार्टी ऊपर आ रही है तो उसके पीछे हाथ है, ये अच्छा टू ये घंटी की यार ये सॉरी यार बटने वाला है क्या, कुछ बटने वाला है क्या, कुछ बटने वाला है। आप यकीन मानिए मैंने अभी अभी ये जो बजता हुआ आवाज़ अलवी का फ़ोन था अलार्म मैंने उठाया, एंड आई हैव अ रेवलेशन टू मेक, इस पे लाल लफ्ज़ों में फ्लैश हो रहा था पाशा पाशा ने हाथ दिया भाई ये दी एस्टैब्लिशमेंट, यहाँ पे सोशल मीडिया में भी पाशा पे बहुत कंट्रोवर्सी होती है, असली दुनिया में भी पाशा पे बहुत कंट्रोवर्सी वाला है, पाशा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस वाला, अच्छा अच्छा वो वाला पाशा, पाशा थे ये अच्छा। किसके चक्कर नहीं, मगर फ्लैश तो हो रहा था पाशा, देखें एडमिट कर लिया उन्होंने, फ्लैश हो रहा था पाशा, ये बताओ एस्टैब्लिशमेंट जो भी उड़ती गुड्डी हो उसके बाद जो हाथ लगाया वो हाथ लगा के जरूरी हर, मुझे तो ये समझाओ कि एस्टैब्लिशमेंट है क्या, एस्टैब्लिशमेंट का आदमी होने में हर्ज क्या है, मुझे ये समझाओ। देखो बाहर मैं लोगों को जानता हूँ, पीपल हु वर्क फॉर द FBI और द CIA वो ऑपरेटिव सदम बड़े फखर से कहते हैं यार कि हम अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करना गाली क्यों है, इमरान खान को लोग गालियां क्यों दे रहे हैं, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट का बंदा इसमें हर एस्टैब्लिशमेंट इज द आर्मी द ISI एंड अदर खुफिया एजेंसीज। मगर देखो एक नवाज़ ने बड़ी अच्छी बात की विद हिज फैसलाबाद हॉटेल सा, ही सेड के जो जो एंटी पाकिस्तान की जो हरकतें करें That should not be tolerated. Your relationship with the agency should be okay. नवाज शरीफ को तो आपने पागल कर दिया है यार। यार वो तो अपने जलसे में ओ जी बड़ा हुजूम है, ओ जी उधर देखें छत पे लोग खड़े हैं, ओ चार बंदे वहाँ पे भी हैं, उधर भी बड़ा हुजूम है, अल्लाह के फजल करम से तराने बजाते हैं म्यूजिक बजा रहे हैं, पागल हो गए क्या यार, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग गिनवा रहे हैं, देखो हमारी रैली में इतने लोग हैं, आपने क्या पागल कर दिया उनको यार, बेचारे यार गिर रहा होता गिड़गिड़ाते नहीं उसका पावर तो है अभी तक, कितने लोग आए थे उसके जलसे में, 6-7 छोड़ यार खुदा को मार, देखो लॉट ऑफ पीपल थे यार, लाख लोग तो होंगे, 30,000 नहीं थे यार लाख लोग, 30,000 अच्छा ये डाइग्रेसिंग ऑफ द टॉपिक, एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही थी, एस्टैब्लिशमेंट के मैं वही बोला द इशू इज कि जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होते हैं, एंटी स्टेट के डिस्टेबलाइजिंग और किसी पॉलिटिकल पार्टी को चढ़ाना उठाना अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट में, बट डू वी एज पाकिस्तानी रियलाइज के एस्टैब्लिशमेंट इज द ओनली लाइन ऑफ डिफेंस बिटवीन अस एंड अटर एनार्की इन दिस कंट्री, इट माइट इट इज It is. It is. So why are we not proud of the establishment? The problem is ki
एक स्टिग्मा लग जाता है, क्यों स्टिग्मा, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार भुट्टो वाज़ सपोर्टेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट, द नवाज़ शरीफ वाज़ सपोर्टेड, द आईजीआई वाज़ सपोर्टेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट, द एमक्यूएम वाज़ सपोर्टेड बाय द, यार आप मुझे, सो एवरी पार्टी दैट बिकम्स पॉपुलर इफ इट कम्स विद दिस बैगेज ऑफ के हम एस्टैब्लिशमेंट, सो दैट इज अ रीजन व्हाई पीटीआई इज वेरी एडमेंट कि हम अपने, देखो एक इतना डिप्रेशन हो गया इस कंट्री में, देयर इज अ नेचुरल पॉपुलर, सो मुझे एक बात बताओ कि अगर जो भी आप बोलते हो एस्टैब्लिशमेंट है, मैं तो नहीं मानता कि कोई ऐसी बॉडी है फॉर्मल, बट अगर है और अगर वो चेंज या कोई अच्छी चीज़ को सपोर्ट कर रही है या उनको लग रहा है कि अच्छा भाई इससे मुल्क में बेहतरी आ सकती है, मैं पीटीआई की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़, तो उसको अगर वो सपोर्ट करते हैं, उसको लेवरेज देते हैं, इसमें हर्ज क्या है? हम अपने मुल्क की बेहतरी अगर नहीं चाहेंगे तो क्या इशू है इसके? वो जब जलसा हुआ तो पीपल नीड एन एक्सक्यूज कि अचानक ये 1,000, 10,000, 50,000, 60,000, 1,00,000 बंदा कैसे अच्छी अपीयर हो गया? अच्छा हमने पूरी कोशिश, आप 200 कह रहे थे, 3,00,000 है यार, मैं तो 7,00,000 भी कहता हूँ उस वक्त, ना मैंने तो यही कहा कि तुम मजमा देखो, तो मैं अब काउंटिंग तो नहीं हो रही, मैं 7,00,000 कहता हूँ, तो मैं बोलता जितने लोग हो जाएं, इट डज नॉट मैटर। अब उसमें ये होता है कि लोग जो एंटी होते हैं, दे हैव टू फाइंड एन एक्सक्यूज कि क्यों, व्हाई इज दिस हैपनिंग। द मीडिया अप्लॉडेड कि जलसा हुआ, बट द मीडिया सेड यह क्या हुआ, हमारे नजरों के नीचे से कैसे निकल गया? तो संडे टाइम्स को, संडे टाइम्स में एजेंडा के तहत आया था, संडे टाइम्स जो हुआ था, आई एज आई सेड, संडे टाइम्स द एंटायर 2 वीक्स दैट यू बीन सिटिंग हियर, यू ओनली हर्ड द फैक्ट कि इमरान खान हैज बीन सपोर्टेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट, दैट्स ऑल व्हाट यू हर्ड, दैट लेडी दैट केम फ्रॉम दिल्ली, एक हमारे वकील दोस्त है, इसको नाच रहे, हां वो नहीं, वो सारे कोशिश करें ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अचानक ही 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख बंदे कैसे आए। अच्छा लोग तंग आ गए यार, इसलिए आए यार, दैट इज द आर्गुमेंट एंड पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द आर्गुमेंट कि आपको सपोर्ट कहते हैं कि आपको पैसे कहां से मिले, पैसे यार आई नो फॉर फैक्ट दैट पसीने पसीने करके पैसे आए। अब यह है कि अब आगे पैसे की बात नहीं, अब लोगों को लिटरली यह हमें पता है पैसे कहां से आ रहे, पाकिस्तानी का दिल खोल खोल के पैसे आ रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू सपोर्ट अ चेंज इन पाकिस्तान, दे सिक एंड टायर्ड ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। अब वही बात है, तो आप यहां पे ऑन कैमरा कहते हो कि एस्टैब्लिशमेंट आपका कोई मेरा गठजोड़ नहीं है, अगर ऐसी कोई बॉडी है, इवन इमरान खान सेड इट, इवन माय फादर सेड दैट ऑन टीवी कि नहीं है, एंड दे डिनाइंग इट। देखो मीटिंग हो सकती है, माइंड यू द व्हाट, अच्छा मतलब मीटिंग हुई है, मीटिंग अच्छा मतलब आप एडमिट कर रहे हो, 1.5 साल पहले हुई है, बट एक खुदा ना खास्ता, खुदा नहीं, तो मीटिंग में क्या मसला है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर कल या एक हफ्ते बाद पाशा के साथ एक 1-to-1 इमरान की मीटिंग हो जाए, does that mean they cooked up the next year's plan of what to do with Pakistan? No, it's just meeting na? Because ek rising leader ko नहीं, मगर आप फिर उनसे मीटिंग क्यों कर रहे हो? नहीं कर रहे यार, there's no meeting, तो आप क्यों बोल रहे हो कि अगले हफ्ते हो जाए? अगर जिस दिन हो गई, अगर जिस दिन हो गई, तो you have to be aware एक मीडिया ऑनस्लॉट होगा कि नवाब साहब आपने सफाई बहुत अच्छी दी आज, मगर कुछ तो गड़बड़ है Let's wind up here, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है, आप कमेंट्स में बताइए गड़बड़ है कि नहीं है। कहता है कि राइजिंग हो रहा है, मगर उसके बाद मानने की तैयारी नहीं। Out of bounds from Faisal Kapadia and Dr. Babalvi, please give us your feedback and I think us is sare process mein we would like suggestion for show ideas, because I think that's more important. When we come here we have whatever we think is important, but I think your crowd ki tarah se, your audience ki tarah se koi suggestion, yeah, please let us know what you want us to talk about, and even if you want to come on the show and talk about something, consider this a platform for you. Come on Skype, we'll have you on Skype, we'll have you on the background on Skype, we'll have you Doti on, share your comments, and we'd love to have you on your show. Thank you. Out of bounds.